है जो हमारा टॉपिक है जी, जो पूरे मुल्क में हमारे लोड शेडिंग की अभी तो उस पर हम बात करना चाहते हैं। अभी जिस तरह का आप स्टेटस देख रहे हैं कि ब्लैक डाउन हो गया पूरे पाकिस्तान में ब्लैक डाउन हो गया। ब्लैक डाउन बेसिकली कहते हैं एक थ्रेट को जिसमें होता है कि दूसरे कंट्री आपके ऊपर अटैक करने। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। असल में जो प्रॉब्लम आई है वो ग्रिड स्टेशन में आई है। जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से ये लाइट पूरे पाकिस्तान में जा चुकी है, और इसीलिए ये पाकिस्तान में लाइट गई है। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग स्टेटस पे देख रहे होंगे कि ब्लैक डाउन हो गया। कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। थोड़ा प्रॉब्लम आया या ज़्यादा प्रॉब्लम आया, मगर प्रॉब्लम ग्रिड स्टेशन में है, और ग्रिड स्टेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से ही लाइट गई है। तो आप लोग परेशान ना होएं, ग्रिड स्टेशन का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा और लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर नहीं आती तो हम सड़कों पे होंगे, मगर आप लोगों ने डरना नहीं है। आप लोग आराम से सोएं, क्योंकि गर्मी तो है नहीं कि आप लोगों को नींद नहीं आएगी। हो सकता है आप लोगों के मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाए, बाकी मसला कोई नहीं। डेफिनेटली ये जो है एक बहुत बड़ा इशू है जो आम रूटीन में कभी नहीं होता, लेकिन कभी कभार हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है पूरी कंट्री में। जितनी भी जहाँ जहाँ तक ये बिजली की एक्सेस है तो ये बंद हो जाती है। इंशाल्लाह जल्दी ये कवर अप कर देंगे उसको, और इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। ओके, मल्टी इन्फॉर्मेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।